एसटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंसेज ऊना रोड होशियारपुर में फूड डे मनाया गया, जिसका थीम सेफ फूड फॉर अ हेल्दी टुमारो रखा गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत चेयरमैन हरीश कपूर और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण कपूर ने रिबन काटकर की। इस दौरान उन्होंने छात्राओं द्वारा तैयार किए गए पकवान दही भल्ले, आलू टिक्की, इडली सांबर, पास्ता, खीर, सैंडविचेस, गोलगप्पे तथा लस्सी का स्वाद भी चखा। इस दौरान बीएससी, जीएनएम तथा एएनएम का कोर्स कर रही छात्राओं ने अपने अपने पकवान बहुत ही साफ सुथरे तरीके से तैयार किए थे, ताकि इससे ये संदेश दिया जा सके कि भोजन जब भी पेशेंट को देना हो तो वह पूर्ण तौर पर हाइजीन होना बेहद जरूरी होता है, ताकि कोई भी इसे खाने की वजह से बीमार ना हो। इस मौके पर प्रिंसिपल थिलगावती ने बच्चों की हौसला अफजाई भी की। इस अवसर पर वाइस प्रिंसिपल सैमुअल, लेक्चरर लवदीप कौर, शैलजा शर्मा, मनप्रीत कौर, रंजीत कौर, गगनदीप कौर, जीती, ममता, सुखदीप कौर, हेवन, राजकुमार, मोनू सहित कॉलेज का अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। प्रोग्राम के अंत में छात्राओं में से पहला, दूसरा तथा तीसरा इनाम निकाला गया, ताकि छात्राओं को आगे से और बढ़िया करने की प्रेरणा मिल सके। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम मनप्रीत है एंड मैं एसटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग दे विच एज अ लेक्चरर जॉब करती पई हाँ। तो साडा कॉलेज जिहड़ा हैगा आ, ये नर्सिंग कॉलेज आ। इन्हे दे चेयरपर्सन जिहड़े हैगे आ रिस्पेक्टेड सर हरीश कपूर सर एंड प्रिंसिपल मैम आ मिसिस थिलगावती। एंड असी अज कॉलेज दे विच फूड डे सैलीब्रेट किया आ, जिहदे विच कि बच्चों ने की किया अलग अलग तरह दी आइटम्स बनाईया, जिदा कि आलू टिक्की हो गई, इडली सांबर हो गया, फिर सैंडविच, इधर से बहुत सारिया आइटम्स बनाइया हैं जिड़िया कि वह खुद उन्होंने प्रिपेयर करके वो एग्जीबिशन लगाई है। ये असी क्यों किया, क्योंकि 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सीगा, जिदे करके असी ये सारा कुछ सैलीब्रेट किया। उस अकॉर्डिंग की है बच्चों ने पूरी तैयारी की, प्रैपरेशन की उन्होंने पूरी, है ना। एंड उन्होंने की किया कि फूड एग्जीबिशन से जिद कि सिर्फ इदा ही नहीं, उन्होंने नाल पैसे भी रखे हुए थे कि सेल करते पे सके, मीनस जिदा असं फूड स्टाल लगाते हैं इदा बच्चों ने लगाया। एंड बहुत वध चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया इस सब दे विच, नाल ही टीचर्स ने भी और स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर सारे ने प्रिपेयर किया। और इस मौके पर मैं जिन्हें भी स्टूडेंट है सारे लख लख बधाई दिंदी हाँ, और मैं बच्चों को होर ज़्यादा एप्रीशिएट करूँगी कि अगे तो भी वध चढ़ के हिस्सा लैन तो इदा के प्रोग्राम करते रहन। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, मेरा नाम शैलजा शर्मा है और मैं एसटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में इम्प्लॉई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिप्यूटेड कॉलेज है। मोर ओवर अगर मैं बात करूँ यहाँ की डीन की, तो उनका नाम मिस्टर हरीश कपूर है और ये जो कॉलेज है ज़िला होशियारपुर में स्थित है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि आज जो हमने अपने कॉलेज में फूड डे सेलिब्रेट किया है, और इस तरह तो हम तो वैसे ही बहुत सारे फंक्शन जो हैं सेलिब्रेट करते रहते हैं, लेकिन आज का जो थीम था फूड डे का वो बहुत ही अच्छा था, जैसे कि सेफ फूड फॉर नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो। और बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया, और सर के मिस्टर हरीश कपूर और मिसेस थलगावती जो कि हमारे प्रिंसिपल हैं, उनके नक्शे कदमों पे उन्होंने सारा प्रोग्राम जो था उसका आयोजन किया था। और मैं बोलूँगी कि बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया, बहुत ही अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया, मतलब बायोंड हमारी एक्सपेक्टेशन उन्होंने किया। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं बच्चों को लाख लाख बधाई देना चाहती हूँ इस मौके पे, और इसी तरह से हम उनको इसी तरह से मोटिवेट करते रहेंगे और अपने कॉलेज का नाम रोशन करते रहेंगे। सत श्री अकाल जी, मैं लवदीप कौर, एसटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंसिज दे विच एक लैक्चरर आ। ये कॉलेज साडा ऊना रोड के उत्ते जिला होशियारपुर के स्थित है। तो इस कॉलेज के सारिया मैडिकल फैसिलिटीज़ जो भी बच्चों को पेशेंट्स की केयर करने के लिए चाहिए वो सारिया अवेलेबल है, और साढ़े जी एन एम, ए एन एम, बी एस सी एंड डी एम एल टी कोर्सिस जोड़े वो चल रहे हैं इस कॉलेज के। एंड स्टूडेंट्स साढ़े बहुत वधिया इतों के रिजल्ट्स लैके पास होंगे, एंड स्टूडेंट्स को बहुत वधिया एप्रीसीएशन दी जाती है कि वो पेशेंट्स की केयर हॉस्पिटल के जाके कर। इस तो इलावा असी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गनाइज़ करते हैं इस कॉलेज के, लाइक अज असी फूड डे सैलीब्रेट किया, जिदे कि बच्चों ने अपनी फूड आइटम्स बनाई, वक्री वक्री फूड आइटम्स बनाई और उन्होंने सेल किया, जिस तो उन्होंने ये एप्रीसीएशन मिलती है कि उन्होंने फ्यूचर के अपना कुछ भी जो भी है प्रोटेक्टिव फूड जो है उन्होंने प्रोवाइड करना हो तो खुद बना के प्रिपेयर करके पेशेंट्स को दे सकते हैं या अपनी फैमिली को दे सकते हैं।